हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित कविता ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के द्वारा लिखी गई है। तो आज ये कविता के बारे में हम लोग जो है काफ़ी डीपली एनालिसिस के साथ इसके बारे में बात करेंगे। यह कविता क्या है, किस जैनर के अंतर्गत आती है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि कविता का टाइटल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कविता को के टाइटल से ही ऐसा लगता है जैसे मान लो कि कुछ बुरा हुआ है और फ्रस्ट्रेटेड है। ब्रेक का रिपीटेशन, दोहराना बार बार जो है, यह दिखलाता है कि ऑथर स्पीकर जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, या फिर काफ़ी ज़्यादा चिंतित मुद्रा में है या दुखी है, ऐसा कविता के टाइटल से लगता है। और मैं इसके रेफरेंस की बात करूं, इसके बारे में और इंट्रोडक्शन आपको बताऊं, तो यह कविता जो है 1835 या कभी कभी कहा जाता है कि 1834 के आखिर में लिखी गई, और इसे पब्लिश किया गया था पहली बार 1842 में। और इसके जो ऑथर हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन इंग्लैंड के एक ऑथर हैं और विक्टोरियन एरा के जो है वन ऑफ द वेल नोन ऑथर्स में जो है इनकी गिनती होती है। और इनके जो पोएम्स हैं इन मेमोरियम, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, यह कविता दोनों में आपस में, इन मेमोरियम जो इनका है और ये ब्रेक ब्रेक ब्रेक, दोनों में एक अटूट संबंध है, क्योंकि दोनों ही जो है उनके मित्र हेनरी हैलम के लिए लिखी गई है, उन्हीं के लिए लिखी गई है। और कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया खुद जो है इनकी कविता, इन मेमोरियम को अपने पति के मरने के बाद पढ़ा करती थी उनके याद में। तो हम लोग और फैक्ट्स पर बात करते हैं इस कविता के बारे में, जो कि यहाँ मैंने नोट करा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो यह कविता जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 1835 या कभी कभी कहा जाता है 1834 के आखिर में लिखी गई है, और इसे पब्लिश किया गया था पहली बार 1842 में, 1842 ईस्वी में। और यह कविता की जो जैनर की बात करें, इसके टाइप की बात करें, तो यह एक एलिजी है। अब एलिजी क्या होता है, आइए उसको जान लेते हैं। एलिजी को हिंदी में शोक गीत कहा जाता है। एलिजी का डिफिनेशन मैंने यहां लिखा हुआ है, इट इज ए सैड पोएम, यह एक जो है उदास यानी सैड कविता होती है। Used to praise, और इसका प्रयोग जो होता है प्रशंसा करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए, एंड एक्सप्रेस सॉरो, और दुख प्रकट करने के लिए किया जाता है। फॉर समवन हु इज एक्चुअली डेड, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रशंसा करना या एक ऐसे व्यक्ति के प्रति दुख को प्रकट करना जो कि मर चुका है। इट टेल्स ए स्टोरी ऑफ लूजिंग समवन नियर एंड डियर, और यह एक ऐसे व्यक्ति के खोने की कहानी को बताता है जो हमारे दिल के काफी करीब होता है, काफी नजदीक होता है। और इनके बारे में एक और भी चीज सुनने को मिलती है कि जो इनके फ्रेंड जो थे, जो कि मैंने यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, आर्थर हेनरी हैलम, इनके जो फ्रेंड थे, एक समुद्री दुर्घटना में, शिप रेक में जो है ये मारे गए, और ये काफी ज्यादा इनके पर्सनल लाइफ को काफी ज्यादा इस घटना ने अफेक्ट किया। और कहीं ना कहीं एक करीबी दोस्त तो थे ही, इसके साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि ये इनके ब्रदर इन लॉ, यानी इनके बहन से इनकी शादी होने वाली थी, इनके फ्रेंड हेलम की, हेनरी हेलम की शादी जो है इनके बहन से होने वाली थी, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इफेक्ट होगा यदि, और वो भी एक ऐसे एज में जो है उनकी मृत्यु हो जाए जो कि जीने की उम्र होती है। तो बात करते हैं कि द पोएम डिस्क्राइब्स टेनिसन्स फीलिंग, यह कविता जो है टेनिसन की भावना को प्रकट करती है, ऑफ लॉस आफ्टर द डेथ, यानी एक किसी खोने की भावना को प्रकट करती है, ऑफ लॉस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की मौत के बाद, जो कि इनका नाम था आर्थर हेनरी हैलम। It had 16 lines, यह कविता 16 पंक्तियों की है, with rhyme scheme, और इसकी rhyme scheme कुछ अजीब सी है, irregular है, और ये iambic tetrameter में लिखी गई है, मैं बता दूँ आपको। और इसकी जो rhyming scheme है, A, B, C, B, D, E, F, E, G, H, I, H, and J, K, L, K. The poet is standing on the rocky seashore. और यह कविता जब नैरेट की गई है तो स्पीकर जो है एक समुद्री किनारे पर खड़े हैं, और वहां आसपास क्लिफ्स हैं, माउंटेन्स हैं, पर्वत पहाड़ हैं। इट इज आल्सो कनेक्टेड टू इन मेमोरियम, इन मेमोरियम जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की एक और दूसरी कविता है, यह इससे काफी ज्यादा कनेक्टेड कही जाती है और है भी। अब बात करते हैं डीपली एनालिसिस की, तो द सी इज ब्रेकिंग ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स,
समुद्र की जो लहरें हैं बार बार कोल्ड ग्रे स्टोन्स पत्थरों पर आकर पड़ रही है। बिफोर द स्पीकर, और यह घटना कब हो रही है? लेखक के सामने ही। ही लैमेंट्स, वो पश्चाताप करते हैं। ही मर्न्स, वह शोक मनाते हैं, पश्चाताप करते हैं। दैट ही कांट गिव वॉइस टू हिज थॉट्स, और ऐसा लगता है वो अपनी पंक्तियों के जरिए भी कहते हैं कि वो वह एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जो कि उनके विजन में है, जो कि उनके थॉट्स में है, जो वो सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उनके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं मिल पा रहा है उन्हें। इट सीम्स दैट, यह लगता है कि दैट ही इज जेलस, वो काफी ज्यादा ईर्ष्या उनको है ऑफ अदर्स हैप्पीनेस, दूसरों की खुशी से। मैं बता दूं कि इस कविता में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें दिखाया गया है कि आसपास के लोग, जो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, फिशरमैन वहां पर अपनी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड फील करते हैं और शायद कहीं ना कहीं लगता है ऐसे कि यानी उनसे इनको प्रॉब्लम है, समस्या है, और ये यह कहना चाहते हैं कि उनके दोस्त के जाने से किसी को खास असर नहीं पड़ा, ना ही उस फिशरमैन को, ना ही उन बच्चों को जो अपने भाई बहन जो मिलकर जो खेल रहे हैं, उनको भी कोई असर नहीं पड़ा। यानी कवि कहना चाहते हैं कि किसी के पर्सनल लॉस से या किसी के भी लॉस से किसी को खास असर नहीं पड़ता है। द रूल ऑफ द वर्ल्ड इज दैट कंटिन्यूटी, यानी यह इस दुनिया का नियम है कि निरंतरता रहती है, यानी किसी के आने जाने, खो जाने, मर जाने से फर्क नहीं पड़ता है, यह जो है दुनिया जो है चलती रहती है। इट कीप्स मूविंग ऑन। There is a deep comparison between the external world and his internal world. अब देखिए, यहाँ पर कवि ने तुलना की है इस कविता में इस बाहरी दुनिया के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये कवि जो है सी वेव्स की बात करते हैं, समुद्री लहरों की बात करते हैं, और कुछ बच्चे जो वहाँ खेल रहे हैं, फिशरमैन जो शायद फिशिंग कर रहे हैं, या कुछ सेलर्स जो है वहाँ पर हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनसे ऐसा लगता है कि इनको उनसे प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों है, वो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा सैड है, तो ये स्वाभाविक है। हम जब सैड होते हैं तो हमें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वी कांट बियर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, एंड इन दिस सिचुएशन वी फील इरिटेटेड एंड वी फील वेरी एंग्री टू द पीपल हु आर बिफोर अस, जो हमारे सामने होते हैं उन लोगों के प्रति हम काफी ज्यादा गुस्सा महसूस करते हैं, उनसे ज्यादा चिढ़ते हैं। It also seems that he has lack of energy or courage. और ऐसा भी लगता है कि कविता के पंक्तियों से कि उनके अंदर उस ऊर्जा की कमी है, उस साहस की कमी है to express his memories or thoughts, कि वो अपनी यादों, अपने विचारों को जो है हमारे सामने प्रकट कर सके, ऐसा उनकी पंक्तियों से लगता है। और जो है इस कविता के बारे में और भी ज्यादा बात करें तो थीम्स की बात करें तो थीम आप समझ ही सकते हैं, जो है मर्निंग इसका थीम है, या टू एक्सप्रेस द सॉरो लाइक अप टू लूजिंग समवन, किसी को खोना, टू लूज समवन, कितना मुश्किल होता है उस दुख को बर्दाश्त कर पाना जब हम किसी इतने करीब को खोते हैं जो हमारी चीजों को काफी आसानी से समझ पा सकता है। और अब देखिए, एक्चुअली सिचुएशन इज दैट कि अब कवि को ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता कि जिनसे वो अपनी व्यक्तिगत बातों को शेयर कर सके, क्योंकि हम जानते हैं सभी कि एक दोस्त हमारे जीवन में एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले करता है जिनसे हम सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, वी कैन शेयर एवरीथिंग अमंग विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो अब वो अकेला फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है इस वजह से भी, और इतनी कम उम्र में किसी को खो देना उनके लिए शायद जो है एक पीड़ा से कहीं कम नहीं है, और स्वाभाविक है किसी के लिए भी होगी यदि किसी के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो। अब जहां तक इसके एनालिसिस की बात रही तो इस कविता में ऐसा लग रहा है कि कवि अपना इमोशन या तो वो दिखाना ही नहीं चाह रहे, या फिर वो थैंकफुलनेस दिखा रहे हैं, गॉड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान का कि यदि वो अपने दोस्त को ना खोते तो शायद इस बात को ना समझ पाते, इस दुनिया को नहीं समझ पाते, इस दुनिया की सेल्फिशनेस, सेल्फ राइटनेसनेस को नहीं समझ पाते, स्वार्थ भाव को नहीं समझ पाते, इन चीजों को। या फिर कहीं कहीं ऐसा भी नजर आता है कि नेचुरल चीजें उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, लाइक द साउंड ऑफ सी वेव्स, समुद्र की लहरों की जो आवाजें हैं उनसे वो काफी ज्यादा बाधित नजर आ रहे हैं, डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। और एनालिसिस करेंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह कविता जो है इट इज नथिंग बट ए डीप सॉरो ऑफ द पोएट हु
हु इज विलिंगली एक्सप्रेसिंग इन दीज लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी इन कविता की पंक्तियों में जो है कवि ने अपने दोस्त के खोने के गहरे दुख को जो है प्रकट करने का प्रयास किया है। और एक मैसेज भी वो देते हैं हमें कि वी नो मैटर्स व्हाट अफेक्टेड आर वी, हम कितने प्रभावित होते हैं, कितने ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, या मैटर नहीं करता, किसे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, द वर्ल्ड कीप्स मूविंग ऑन, दुनिया चलती रहती है, एंड द पीपल अराउंड अस आल्सो डू देयर जॉब्स, अपना अपना काम करते हैं सब कोई, और ये आप भी जान रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है, दैट इट इज योर पर्सनल लॉस, नो वन विल क्राई फॉर इट, कोई इसके लिए रोएगा क्यों भला, और वो आपका व्यक्तिगत नुकसान है, और दुनिया ऐसी ही है, कोई अब वैसे भी आजकल के दौर में ये चूंकि ये कह सकते हैं ये मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के दौरान इसको लिखा गया है, और उस समय में वार्स वगैरह तो उतने नहीं हुए थे, लेकिन एक उसमें भी एक दौर था जो कि इंसान जो है अकेलापन महसूस करता है, हर वक्त ऐसा होता है, इसमें कुछ नया नहीं है, और वैसे भी लिटरेचर से जुड़े हुए आदमी काफी ज्यादा फिलोसफिकली सोचते हैं, तो चीजें तो ऐसी होंगी, और बाकी आप खुद समझ रहे हैं कि यह कविता जो है कितना ज्यादा दुख को दिखा रही है, कवि के इमोशंस को, फीलिंग्स को स्ट्रॉन्गली जो है एक्सप्रेस करने में सक्षम है। द पोएम इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड वेरी इमोशनल राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू गेट हेल्प थ्रू दिस वीडियो, सो गिव ए थम्स टू मी एंड प्लीज सपोर्ट आवर वर्क बाय liking and subscribe to the channel.